ओके तो वेलकम है सबको चैनल की पहली वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक ऑक्सीमीटर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये एक ऑक्सीमीटर मैंने बनाया हुआ है। तो ऊपर जैसे इसमें एक डिस्प्ले है, नीचे बैटरी कंपार्टमेंट है, पीसीबी भी ऊपर ही है। तो जैसे एक स्टैंडर्ड ऑक्सीमीटर होता है वैसा ही मैंने इसको बनाया हुआ है। तो इसमें इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा कैसे आप भी बना सकते हो। तो पूरा प्रोसेस डिस्कस करूँगा, जैसे जो भी सर्किट डिज़ाइन इसमें लगा है, एनक्लोजर कैसे बना सकते हो आप, और साथ ही में एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो डिज़ाइन में इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक सेंसर का यूज़ नहीं करा जो ऑक्सीमीटर सेंसर्स आते हैं, बस एक फोटो डायोड है और उसके बाद स्टेजेस हैं जो उस सिग्नल को क्लीन और एम्पलीफाई करेंगे। तो बस आगे बढ़ने से पहले एक डेमो दिखाऊंगा कि डिवाइस काम कैसे करता है। ओके तो डिवाइस मैं दिखाता हूँ चालू करके आपको। तो सबसे पहले मैं अपनी फिंगर को इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म है एक छोटा सा, तो इसको उठाया, अंदर फिंगर को मैंने इंसर्ट करा। ओके और अब मैं दबाऊंगा पावर बटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वो आ रहा है धड़क, प्रोजेक्ट का नाम है धड़क। ऊपर बैटरी परसेंटेज बता रहा है 71%, और नीचे बस एक मैसेज है क्योंकि 10 से 15 सेकेंड लगते हैं वैल्यू आने में, क्योंकि पहले ये एलईडी एडजस्ट करेगा मेरे फिंगर के हिसाब से। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं SpO2 और BPM, जैसा आप देख सकते हो। साथ ही में मैंने इस प्रोजेक्ट की पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर करी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो से ज़्यादा डिटेल्स हैं उसमें, तो नीचे जो डाउनलोड लिंक आ रहा है आप उस पर जाके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल्स वहाँ से ले सकते हो। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि होता क्या है और ऑक्सीमीटर करता क्या है। तो हमारे बॉडी में एक कार्डियक सर्कल होता है हार्ट और लंग्स के बीच में। तो इसमें क्या होता है, जैसे लंग्स हम सांस ले रहे हैं तो लंग्स से ऑक्सीजन आएगी और ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। तो इस ऑक्सीजन का ब्लड में आने से बनेगा ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है तो ऑक्सीजन उससे बाइंड कर जाएगी। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पूरी बॉडी में पंप करेगा ताकि बॉडी फंक्शंस इस फ्रेश ब्लड को यूज़ कर सके। तो बॉडी क्या करेगी, इस ब्लड को यूज़ अप करेगी, मतलब एक तरह से ऑक्सीजन ख़त्म होगी, ऑक्सीजन यूज़ अप होगी, तो उससे बनेगा डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन चली गई है हीमोग्लोबिन से। तो ये दो प्रोसेस हैं जो एक कार्डियक साइकिल में होते हैं, जो हार्ट और लंग्स के बीच में। तो अब इन सब में ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हुआ, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन सिंपली हो जाएगा HbO2 बाय HbE प्लस HbO2, यानी जितना ऑक्सीजनेटेड कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट्स। तो यही हमें मेजर करना है डिवाइस से। तो क्वेश्चन ये कि ये डायरेक्ट ये मिलेगा कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा ये लेने के लिए, क्योंकि ये यूनिट्स तो कॉन्सेंट्रेशन में होगी कि ब्लड में नापना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कन्वीनियंट नहीं है। तो इसलिए एक टेक्निक होती है फोटो प्लेसीथमोग्राफी। क्या किया जाता है कि एक लाइट सोर्स को प्रोजेक्ट किया जाता है फिंगर पे और दूसरी तरफ उसका रिस्पांस लिया जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया है कि जो HbO2 होता है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, उसका एब्जॉर्प्शन इंफ्रारेड वेवलेंथ की तरफ ज़्यादा है। तो जैसा ग्राफ में दिख रहा है आपको, जो रेड कलर का है वो है स्पेक्ट्रम HbO2 का, यानी 900 नैनोमीटर के आसपास इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो अगर मैंने इंफ्रारेड वेवलेंथ पास करी तो आउटपुट में थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे सिमिलरली रेड का है 700 नैनोमीटर के आसपास, यानी अगर मैं लाइट रेड कलर की लाइट पास करूँगा तो आउटपुट पर मुझे थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब ये दो चीज़ें हमें पता लग गई, इनसे एक रिलेशन डिराइव करा जा सकता है जिससे हम SpO2 को रिलेट कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ आउटपुट की इंटेंसिटी को मेजर करके एक तरह से SpO2 निकाल सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ उसका जो फाइनल रिलेशन आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी पूरी डेरिवेशन आपको मेरे डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी, फाइनल रिजल्ट ये है। तो ऐसा दिखता है PPG सिग्नल, ये पहाड़ों की तरह होता है, तो एक कुछ वीक पीक पॉइंट्स होते हैं और कुछ वैली पॉइंट्स होते हैं,
तो जहाँ जहाँ भी पीक आ रही है, मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी एब्जॉर्ब नहीं हुई है, वैसी की वैसी पास हो गई है, और जहाँ भी वैली आई है मतलब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसलिए डिटेक्टेड इंटेंसिटी जो आउटपुट पे वो कम है। और जो फाइनल फॉर्मूला निकलता है आर का, वो दिख रहा है यहाँ पे, तो वो बस बेसिकली जो जो पीक और वैली पॉइंट्स हैं उनका रेशियो है रेड और इन्फ्रारेड के बीच में। तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो रेड का है, जो VP2 - VL2/DC है वो रेड का है, और नीचे वाला इन्फ्रारेड का है। तो इन PPG सिग्नल्स में थोड़ा DC लेवल भी होता है, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे फॉर्मूला में, ताकि दोनों को नॉर्मलाइज कर लें। तो रेशियो सिंपली बस रेड इंटेंसिटी टू इन्फ्रारेड इंटेंसिटी बन जाता है। और उससे SpO2 निकालने के लिए एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये एक टिपिकल रिलेशनशिप कर्व से निकलता है, बस R यहाँ से निकालना है, यहाँ प्लग करना है, तो फाइनल SpO2 हमें मिल जाएगा। और फिंगर सेटअप बस यहाँ मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि LED एक तरफ से लाइट एमिट करेगी, दूसरी साइड उंगली से डिटेक्ट होगी, और ये सारा डिटेक्शन की साइड हो रहा है फोटोडायोड की मदद से। ओके, तो ओवरव्यू देख लिया, फॉर्मूलाज देख लिए, तो अब सर्किट स्टेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम है पूरे डिज़ाइन का। तो लेफ्ट से अगर चालू करें, सबसे पहले क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर वो LED ड्राइवर सर्किट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि LED की इंटेंसिटी सेट करो। तो एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज देगा LED ड्राइवर दोनों रेड और इन्फ्रारेड LEDs को, तो LEDs ऑन होंगी जिस हिसाब से इंटेंसिटी LED ड्राइवर ने सेट करी है, इंटेंसिटी पे LED ऑन होंगी। अब LED ऑन हो गई, फिंगर बीच में, दूसरी तरफ फोटोडायोड है, तो लाइट जाएगी फिंगर के थ्रू फोटोडायोड की तरफ। फोटोडायोड अब क्या करेगा, फोटोडायोड उस लाइट को करंट में कन्वर्ट करेगा, तो उस करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए लगाया है ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर, तो ये करेगा उसको वोल्टेज में कन्वर्ट। जब ये हो गया, वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया, अब इसके बाद है एक डिफरेंस एम्पलीफायर, इसका यूज़ मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट बेसिकली ये क्या करेगा, जो सिग्नल का जो DC लेवल है हमें उसे हटा देना है, हमें बस वो वैल्यू उसके एक बार मिल जाए, उसका आगे कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए उसको रिमूव कर देंगे, ताकि सिर्फ जो AC कंपोनेंट है उसको और फर्दर एम्पलीफाई करा जाए। तो वो इसका यूज़ है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा बाद में अच्छी तरीके से। तो डिफरेंस एम्पलीफायर आ गया, अब उसके बाद है एक एम्पलीफिकेशन स्टेज, प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर। इसमें क्या करेंगे, हम माइक्रो कंट्रोलर से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि कौन सा गेन चाहिए हमें, और उस हिसाब से वो गेन सेट हो जाएगा, जो सिग्नल है AC कंपोनेंट वो उतना एम्पलीफाई हो जाएगा, और फाइनली फिर माइक्रो कंट्रोलर का ADC डिजिटाइज सिग्नल को रीड करेगा, और वहाँ से हम लोग फिर फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे माइक्रो कंट्रोलर में, और SpO2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है डिज़ाइन का। तो अब आगे इंडिविजुअली स्टेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा था, फोटो डायोड लगा हुआ है फिंगर के उस साइड पे, और जो LEDs की इंटेंसिटी को रीड करेगा। तो फोटो डायोड क्या करेगा, उस इंटेंसिटीज को करंट में कन्वर्ट करेगा, पर हमें उस करंट से एक वोल्टेज चाहिए, ताकि उस वोल्टेज को माइक्रो कंट्रोलर रीड कर सके और पता लगा सके कि उसका लेवल कितना है। तो मैं डिस्कस करूँगा उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ ये सिंपल एक ओपैम्प है ट्रांस इम्पीडेंस कॉन्फिग्रेशन में, तो इसमें सिंपली जैसे D फोटो डायोड है, तो वहाँ से करंट निकलेगा, और ओपैम्प की प्रॉपर्टी है तो वो वर्चुअल ग्राउंड बन जाएगा, सीधा करंट पूरा 200 के रजिस्टर से निकल जाएगा, तो आउटपुट हमें मिल जाएगा सिंपली I × 200K। तो सीधा जो भी करंट होगा वो 200K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो वोल्टेज हमें मिलेगा। और इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो लो पास फिल्टर का काम करेगा। ओके, तो अब देखते हैं इसको ऑसिलोस्कोप पे। ओके, तो बेंच पे आ गया हूँ मैं। तो अब पहले ट्रेसेस दिखाने से पहले ऑसिलोस्कोप पे मैं टेस्ट डिवाइस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक तो ये तो फाइनल डिवाइस है जो कंप्लीटेड वर्जन है, और ये टेस्ट डिवाइस मैंने बनाया था, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है, बस यहाँ पे मैंने वायर्स और निकाले हुए हैं ताकि ट्रेसेस वगैरह आसानी से प्रोब हो सके और डिबगिंग के लिए आसानी हो। तो ये PCB है जो ऊपर की तरफ अपर कंपार्टमेंट में बैठी हुई है, ऊपर ATMEGA 4808 माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है,
ये पावर ऑन ऑफ बटन है, और पीछे की साइड बाकी की इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी पे लगी हुई है। तो एनक्लोजर में फोटो डायोड पीछे की साइड लगाया हुआ है मैंने। इसको अगर मैं पीछे मोड़ के दिखाऊँ तो ये जो लगा हुआ है फोटो डायोड है, ये सेंसर, फोटो डायोड सेंसर लगा हुआ है, और एलईडी नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे रेड और इंफ्रारेड एलईडीज लगी हुई हैं, और फिंगर ऑफ कोर्स बीच में यूँ बैठेगी हमारी फिंगर। तो फिर एनक्लोजर इसे टाइट क्लिप करेगा। तो ये पूरा टेस्ट सर्किट है, और बस यहाँ पे एक बैटरी कंपार्टमेंट है, तो यहाँ मैं बैटरी से टेस्ट कर लेता हूँ, पूरा टेस्ट करता हूँ पूरे डिज़ाइन को। तो बस ये टेस्ट डिवाइस था। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ प्रोब से और ऑसिलोस्कोप पे, आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, तो सर्किट मैंने ऑन कर दिया है, ज़रा एक बार रीसेट करता हूँ मैं सर्किट को। फिंगर मेरी इंसर्टेड है अंदर, तो ये मैंने रीसेट करा, तो ये आपको दिख रहा होगा लेवल धीरे धीरे राइज हो रहा है। तो ये दरअसल एल्गोरिथम है इसमें, माइक्रो कंट्रोलर में ये हर फिंगर के लिए इंटेंसिटी को एडजस्ट करेगा ताकि रिस्पांस बढ़िया से बढ़िया आ सके। तो ये हमारे पीपीजी वेव फॉर्म भी आपको दिख रही होगी, ऊपर जो पहाड़ों की इधर आ रही है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ कैप्चर को, 1 मिनट। ओके, तो कैप्चर मैंने स्टॉप कर दिया, अब इसमें जूम करूँगा मैं। तो इसमें मैं अगर जूम करूँ तो आपको दिखेगा, ये देखो स्क्वायर वेव से बनी है पूरी वेव फॉर्म, क्योंकि हम एलईडीज को जल्दी जल्दी ऑन ऑफ कर रहे हैं। एलईडीज जल्दी जल्दी ऑन एंड ऑफ हो रही है, इसलिए ये स्क्वायर वेव टाइप वेव फॉर्म है। और ये जो दिख रहा है हमें यूं करके, ये हमारी पीपीजी वेव फॉर्म हो गई। तो जो ऊपर वाली है वो इंफ्रारेड के लिए, क्योंकि इंफ्रारेड का रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा होता है रेड से, क्योंकि इंफ्रारेड ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करती है स्किन के, तो फोटोडायोड पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और रेड उतना नहीं कर पाती, तो थोड़ा हल्का रहता है रेड का रिस्पॉन्स। बट दोनों वेव फॉर्म्स में जो पीपीजी वेव सिग्नल है वो में विजिबल है, जो एसी कंपोनेंट जिसे कहते हैं वो विजिबल है। और ये जितना ऊपर ये उठा हुआ है इसके बिल्कुल वैली पॉइंट तक, तो ये वैली पॉइंट हो गया और ये पीक हो गया छोटा सा, तो ये पीक और ये वैली, और जितना ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जितना ऊपर उठा हुआ है वो डीसी लेवल हो गया। तो ये हमारे ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर का आउटपुट है, और हम यहाँ से सीधा हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हार्ट बीट है दो सिग्नल के पीक के बीच का टाइम डिफरेंस। तो अगर मैं कर्सर को ऑन करूँ, तो कर्सर का पहला पॉइंट मैं इस वाले पीक पे लगाता हूँ, और दूसरा इधर वाले पीक पे अगर मैं लगाऊं, तो ये टाइम डिफरेंस इधर बता रहा है 1.43 हर्ट्स। इसको अगर मैं 60 से कर दूं तो 80 के आसपास मेरी हार्ट बीट है। तो ये हार्ट बीट भी हमने यहाँ से निकाल ली। यही सेम कॉन्सेप्ट एल्गोरिथम में भी लगेगा, एल्गोरिथम सिग्नल को रीड करके पीक्स को आइडेंटिफाई करेगा। पर अभी यहाँ एक दिक्कत है, मैं इस सिग्नल को डायरेक्टली रीड नहीं करूँगा माइक्रो कंट्रोलर में, क्योंकि इसके जो लेवल्स हैं, ये पीक टू पीक लेवल, ये बहुत ही छोटे हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर का जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उसमें बढ़िया अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा। तो अगर मैं इसको नापूँ, जो पीक टू पीक लेवल्स हैं सिग्नल के, इस वाले कर्सर को नीचे रखा, इधर वाले को ऊपर ले गए, तो ये बता रहा है देखो पीक टू पीक 300 मिलीवोल्ट के आसपास है बस। तो इन तीन तो इसमें ये डिजिटाइजेशन अच्छा नहीं होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर को सैंपल्स अप्रोक्सीमेशन बढ़िया नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्टेज के बाद एक एम्पलीफायर लगा देंगे जिससे सिर्फ यही पार्ट एम्पलीफाई हो। हमने अब डीसी से हमें कोई मतलब नहीं है, डीसी को हमें एम्पलीफाई नहीं करना, तो इस पार्ट को हटा देंगे, इससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ ये पार्ट एम्पलीफाई होना है, और उसी से हमें मतलब है। तो अगला जो स्टेज होगा वो सिर्फ इसी पार्ट को एम्पलीफाई करेगा। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस करा था आई टू वी स्टेज से आउटपुट मिल गया है, अब बस पीपीजी सिग्नल को किसी तरीके से एम्पलीफाई करना है ताकि माइक्रो कंट्रोलर उसे ढंग से रीड कर सके। तो
तो उसी की एक स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हमने देखा था पीपीजी सिग्नल स्क्वायर वेव से बना होता है, जो ब्लू वाला सिग्नल है उसको पीपीजी सिग्नल मान लें, और किसी तरीके से अगर हम ये रेड सिग्नल जनरेट कर पाए और फिर दोनों को अगर माइनस कर दें तो जो नीचे वायलेट है वो हमें आउटपुट मिलेगा, और यही हमें चाहिए क्योंकि ऊपर ऊपर का पार्ट बच जाएगा जो पीपीजी सिग्नल है। तो ये रेड सिग्नल हम सिर्फ पीपीजी सिग्नल के वैली पॉइंट तक जनरेट करेंगे, जैसा हमने देखा था वैली से नीचे पूरा डीसी होता है उसके ऊपर पीपीजी सिग्नल होता है। तो इसलिए रेड सिग्नल बस बिल्कुल वैली तक जाएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा डीसी माइनस हो जाएगा और केवल आउटपुट मिलेगा पीपीजी सिग्नल जो कि एसी होगा। अब इस एसी से हम सीधा इसको आगे भेज सकते हैं, इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं और फिर उसको रीड भी कर सकते हैं प्रॉपरली माइक्रो कंट्रोलर से। तो यही हम करेंगे इस स्टेज में। तो इसमें होगा क्या, जो रेड सिग्नल है वो एक डैक जनरेट करेगा। तो डिज़ाइन में एक 8-bit डैक भी लगा हुआ है, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, तो उसको माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्ट करेगा पल्स पे ये सिग्नल भेजो, इस पल्स पे ये सिग्नल भेजो। तो ऐसे कर करके डैक इस स्क्वायर वेव को जनरेट करेगा रेड कलर वाले को। फिर उसके बाद हम मेन सिग्नल और इस रेड सिग्नल दोनों को भेज देंगे एक डिफरेंस एम्पलीफायर में, वहाँ से दोनों माइनस हो जाएंगे और वायलेट हमें मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस एम्पलीफायर ये रहा, तो सारे रजिस्टर्स में सेम वैल्यू के होंगे तब हमें यूनिटी गेन मिलेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ कोई एम्पलीफाइंग एक्शन हो, हम चाहते हैं सीधा माइनस हो जाए बिना किसी गेन के। गेन क्योंकि आगे हम देंगे प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर स्टेज में। तो सारे रजिस्टर्स 10K के लगे हुए डिज़ाइन में, तो सिंपल फार्मूला हो जाएगा V1-V2 का और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो ये ऑसिलोस्कोप का ट्रेस है जो मैंने कैप्चर किया है। येलो वाली वेव फॉर्म हमारे ट्रांसइम्पीडेंस स्टेज की आउटपुट है और ब्लू है हमारा जो डैक ने सिग्नल जनरेट करा है, डिफ सिग्नल वो ब्लू में है और नीचे वायलेट में हमारा आउटपुट है। तो इसको जूम करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लू सिग्नल जस्ट वैली पॉइंट तक जनरेटेड है, ताकि उससे जो नीचे नीचे का है वो सारा सब्ट्रैक्ट हो जाए और सिर्फ वैली पॉइंट और से ऊपर ऊपर का जो एसी पार्ट है वो बच जाए। सो अगर मैं जूम करूँ तो इंडिविजुअली हम देख सकते हैं स्क्वायर वेव यहाँ दिख रही है जो डैक ने जनरेट करी है, और वो जस्ट पीपीजी सिग्नल के नीचे है ताकि सब्ट्रैक्शन में वो ऊपर ऊपर का पार्ट बच जाए, और नीचे हमें वायलेट में दिख रहा है जो आउटपुट सिग्नल है, सब्ट्रैक्ट सिग्नल है। तो इंडिविजुअली दोनों रेड और इन्फ्रारेड तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो बस यही इस स्टेज का फाइनल आउटपुट है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सिग्नल एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, जो इसका अगर इस सिग्नल को हम कंपेयर करें हमारे येलो वाले सिग्नल से, ट्रांस इम्पीडेंस स्टेज के सिग्नल से, तो एकदम बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया एक्सट्रैक्ट हुआ है एसी पार्ट। तो बस इस सिग्नल को अब आगे भेज देंगे प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर स्टेज में, ताकि अगर और एडिशनल गेन चाहिए तो वो गेन मिल जाए, फिर फाइनली माइक्रो कंट्रोलर इसे रीड कर लेगा। ओके, तो फाइनली हमारी प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर स्टेज आ चुकी है। तो यहाँ पे सिंपली जो इनपुट सिग्नल होगा प्रीवियस स्टेज का वो जाएगा ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, इंडिविजुअल रजिस्टर्स लगे हुए और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो इनको स्विच करेगा। तो सपोज अगर S1 हाई हुआ मतलब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, मतलब जो 10K रजिस्टर लगा हुआ है S1 के ट्रांजिस्टर पे वो ग्राउंड हो जाएगा, और बाकी दो स्विचेस तो जीरो हैं तो वहाँ पे वो हाई इम्पीडेंस हो जाएंगे। तो जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा तो आउटपुट आएगा 10K, तो 10K आ गया और फीडबैक रजिस्टर ऑलरेडी 10K का लगा हुआ है। तो जो ऑप एम्प का नॉन इन्वर्टिंग फॉर्मूला होता है गेन का, उस हिसाब से सिंपल हमें 2 times का गेन मिल जाएगा, यानी इनपुट सिग्नल 2x हो जाएगा और वो आउटपुट पे मिलेगा हमें। सिमिलरली अगर S2 S3 हाई हुए तो और अलग अलग गेन वैल्यूज हमें मिलेंगे। तो ये टेबल आ रही है, तो इस टेबल के हिसाब से हम जो भी स्विच एक्टिव करेंगे उस हिसाब से एडिशनल गेन मिलेगा। तो ये पूरा माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करेगा प्रीवियस स्टेज के इनपुट को रीड करके कि कितना और गेन करना है ताकि ADC पूरी तरीके से यूटिलाइज हो। डिज़ाइन में मैंने 1 volt फुल स्केल वोल्टेज रखा हुआ है ADC के लिए। तो अगर सिग्नल मान लो आया 300 mV का, तो हमें पता है कि और इसको 3 गुना एम्पलीफाई किया जा सकता है, तो उस हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर
सिग्नल को हाई कर देगा, S1 S2 S3 जो भी है उन्हें हाई कर देगा और वो स्पेसिफिक गेन मिल जाएगा। यही रोल है पूरा इस PGA स्टेज का। तो बस ये सर्किट में फाइनल स्टेज है, इसके बाद आउटपुट जाता है सीधा माइक्रो कंट्रोलर के ADC इनपुट पे और इस सिग्नल के ऊपर फिर एल्गोरिथम लगाए जाते हैं वो SpO2 और हार्ट रेट फाइंड करने के लिए। वीडियो को एंड करूँगा मैं यहाँ पर क्योंकि 20 मिनट से ऊपर खींच गया ये। तो बाकी के जो भी पार्ट्स होंगे जैसे सोल्डरिंग हो गया या एनक्लोजर डिज़ाइन सोल्डरिंग या PCB कैट का स्कीमेटिक्स वगैरह, ये सब मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा, तो अभी इस पार्ट को एंड करूँगा। तो बाकी प्लीज़ बताओ वीडियो आपको कैसी लगी, क्या मैंने कहीं ज़्यादा तेज़ी से खींच दिया किसी टॉपिक को, या आपको लगा कहीं एडिटिंग खराब थी या समझ नहीं आया, कुछ भी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताओ ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ और आगे की वीडियोस और अच्छी बन सकें। और बाकी मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाना चाहता हूँ, जैसे मतलब कोई टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग से फिनिश तक बनाना, एक प्रोटोटाइप ही, मतलब जैसे कोई आइडिया आया उसको फिर उठा के सीधा बनाना, तो इसमें तो ये बहुत बढ़िया लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए क्योंकि मुझे भी चीज़ें नहीं पता होती, मैं भी बिगिनर ही हूँ, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट वो प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त लगा मेरे को कि किसी को समझ के उसको बनाना, फिर उसको डॉक्यूमेंट भी करना। हिंदी जबकि मैंने पढ़ी हुई है पर एक डॉक्यूमेंट बनाना बहुत अलग था मेरे लिए क्योंकि छूट गई थी हिंदी, तो हिंदी भी मैं वापस पिकअप करना चाहता हूँ लिखित में, मतलब बोल चाल तो चलो हो जाता है जैसे भी। तो बस बाकी आप सब्सक्राइब करो प्लीज़ चैनल को और मेरे ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी पोस्ट या मैं डालता रहता हूँ वहाँ पे, जो भी जिन चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ, तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जा सकते हो। एंड या दैट्स इट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और आगे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।